क्या डायबिटीज़ के मरीज तरबूज खा सकते हैं? ये सवाल काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है और आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो क्या आप तरबूज खा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर अनुपम घोष। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो जब भी हम तरबूज के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि तरबूज एक बहुत ही मीठा फल है और सही में है भी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल शुगर पाया जाता है। तो अक्सर जो है वो जितने भी डॉक्टर्स हैं या डाइटिशियन है वो अपने मरीज को जिनको डायबिटीज़ है उनको ये सलाह देते हैं कि तरबूज ना खाए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में क्या आप तरबूज खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है। या इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और मैं आप लोगों को इस वीडियो के दौरान समझाऊंगा क्या आप तरबूज खा सकते हैं और खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। वेलकम बैक गाइस। जब भी हम तरबूज के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मीठा फल है और हमें इसको अगर डायबिटीज़ है तो नहीं खाना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज़ को देखा है जो तरबूज नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी हाई होता है, 72 से लेके 80 तक उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो सकता है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जिस फल का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए अगर किसी को भी डायबिटीज़ है तो। दोस्तों, लेकिन सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही सब कुछ नहीं होता है, इसके अलावा भी एक और चीज़ है जिसको हम ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम होता है तो उसको हम लो बोलते हैं और वो चीज़ आप ज़रूर ले सकते हैं। ग्लाइसेमिक लोड दो चीज़ पे निर्भर करता है, एक तो उस फूड प्रोडक्ट का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और दूसरा उसकी सर्विंग साइज़ क्या है। तो ये दो चीज़ पे निर्भर करता है। मैंने आप लोगों को एक और वीडियो में समझाया था कि ग्लाइसेमिक लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको उस फूड प्रोडक्ट का जितना भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको लेना है और एक सर्विंग में जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपको डिवाइड करना है 100 से, और उसका आंसर जो भी निकलेगा वो आपका ग्लाइसेमिक लोड होता है। और अगर किसी भी सर्विंग का ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 10 के नीचे है तो वो लो माना जाता है, 11 से 20 के बीच में रहता है तो वो आप उसको मीडियम कह सकते हैं, और 20 के ऊपर है तो उसका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी हाई होता है। अगर ग्लाइसेमिक लोड किसी भी फूड प्रोडक्ट का बहुत हाई है तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए, और अगर 10 के नीचे है तो उसको आप बहुत ही आराम से खा सकते हैं बिना कुछ सोचे। और ग्लाइसेमिक लोड अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट का कम है तो वो आपके शुगर लेवल को उतना तेज़ी से नहीं बढ़ाता है। आज हम बात कर रहे हैं तरबूज के बारे में। तो तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 72 है, और अगर आप 100 ग्राम तरबूज लेते हैं तो उस 100 ग्राम तरबूज में आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो 7.6 के आसपास है, 8 ग्राम के आसपास आप मान लीजिए। तो अगर आप 100 ग्राम तरबूज का ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको 72 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो आप देख सकते हैं कि तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 ग्राम में जो है वो आपका तकरीबन 6 से भी नीचे है। तो ग्लाइसेमिक लोड 6 से नीचे अगर है, यानी कि 10 के नीचे है, तो 100 ग्राम तरबूज का ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम है। तो दोस्तों, इसीलिए आप लोग तरबूज 100 ग्राम बिल्कुल खा सकते हैं क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक लोड कम है, और आप जब वो 100 ग्राम खाएंगे तो आपका शुगर लेवल को उतना नहीं बढ़ाएगा। तो दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि तरबूज में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। तो तरबूज में अच्छा खासा विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन B6, थोड़ा बहुत कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, ये सारे चीज़ भी पाया जाता है। तो जब भी आप तरबूज खाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत विटामिन्स एंड मिनरल्स भी मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को तरबूज खाना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है।
दूसरी चीज जो है आप देखते होंगे कि तरबूज जब आप काटते हैं तो वो लाल रंग का होता है। लाल रंग होने का कारण है क्योंकि उसमें लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन जो होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और आप सबको मालूम है कि एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और लाइकोपीन जो है ये देखा गया है कि अगर आप लाइकोपीन लेते हैं तो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। या फिर जिनको डायबिटीज़ है, और क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ को हार्ट कॉम्प्लिकेशंस होने का बहुत चांसेस रहता है, तो अगर वो लाइकोपीन लेते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस उनको कम हो सकता है। लाइकोपीन और किस में पाया जाता है? लाइकोपीन आपने देखा होगा कि टमाटर भी लाल होता है, तो टमाटर में भी लाइकोपीन होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको फाइबर भी मिल जाएगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएगा, आपको विटामिन्स मिनरल्स मिल जाएंगे और इसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी काफी कम है, तो इसलिए आप इसको खा सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि काफी लोग सेब बहुत खाते हैं जिनको डायबिटीज है, और वो ये सोचते हैं कि सेब क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो इसलिए वो खा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जी हाँ बिल्कुल सही बात है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेब का काफ़ी कम होता है, 38 से 40 के आसपास होता है, लेकिन 100 ग्राम सेब में आप देखेंगे 14 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि 100 ग्राम तरबूज और 100 ग्राम सेब का ग्लाइसेमिक लोग लगभग सेम है। तो अगर आप 100 ग्राम सेब खा सकते हैं तो आप 100 ग्राम तरबूज भी खा सकते हैं, दोनों का ग्लाइसेमिक लोड सेम है। लेकिन गलती क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि सेब का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है, तो इसलिए वो एक सेब भी खा लेते हैं, कई बार दो सेब भी खा लेते हैं, और उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाय के साथ मैरी बिस्किट या फिर डाइजेस्टिव बिस्किट खाते हैं तो प्लीज़ डाइजेस्टिव बिस्किट और मैरी बिस्किट खाना बंद कर दीजिए, रस खाना बंद कर दीजिए। ये सब आप जब बंद करेंगे तो आप अपने डाइट में तरबूज भी शामिल कर सकते हैं, और 100 ग्राम तरबूज आप बिल्कुल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। एक और तरीका जो है मैं रिकमेंड करता हूँ अपने सारे पेशेंट्स को कि जब भी आप कोई फल खाए तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ फल ना खाए, फल के साथ आप कुछ ना कुछ प्रोटीन और फैट भी लेते रहे। प्रोटीन जैसे कि आप पीनट बटर या आलमंड बटर उसके साथ मिला के ले सकते हैं, या थोड़ा बहुत नट्स और सीड्स भी उसके साथ खा सकते हैं, तो आपको प्रोटीन और फैट भी मिल जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के साथ। और जब आप कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन और फैट के साथ मिला के खाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका शुगर लेवल उतना नहीं बढ़ेगा। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत ज़्यादा फल आप ना खाएं अगर आपको डायबिटीज़ है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फल खाएंगे तो आपका फिर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे आपको डायबिटीज़ रिवर्सल में, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पूरे दिन में कोई भी एक फल ले सकते हैं, 100 ग्राम से 150 ग्राम तक आप कोई भी फल खा सकते हैं। आप या तो तरबूज खा लीजिए, आम खा लीजिए, केले खा लीजिए, तो कुछ भी आप खा सकते हैं, लेकिन 100 से 150 ग्राम तक आप खाएं, इससे ज़्यादा ना खाएं। और जो लोग भी तरबूज खा रहे हैं, काफ़ी लोगों का शुगर लेवल बढ़ जाता है थोड़ा सा भी तरबूज अगर वो खाते हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा तरबूज खा के देखिए कि कैसे आपका शुगर लेवल होता है, कैसे आपका बॉडी रिएक्ट करता है। तो एक टेस्ट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना तरबूज खा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने सारे दोस्तों से, अपने परिवारजनों के साथ। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।